VSO is basically a UK-based charity. They've been in the business for more than 50 years now. In 2009, we re-registered as the VSO India Trust. We've been working in about 4 or 5 states. By 2017, we hope to be working in 10 states across India. We work in the areas of disability, health, education and livelihood through grassroots NGOs who then believe in the same causes. सास ससुर के साथ अपना घर एक काम करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। उसके बाद नेट का स्टाफ आए, हम लोग का घर परिवार से मिले और से मिल के वो बताए महिला सशक्तिकरण तुम लोग में करना है और इससे तुम लोग का बहुत फायदा मिलेगा, तुम लोग का आगे बढ़ना है। तो हम लोग का वो बात बहुत अच्छा लगा। पहले का विधि में हम लोग का बहुत कम उपजाऊ होता था, का श्री विधि का धान अपनाएं तो इसमें हम लोग का दुगुना उपजा हुआ और इसमें हम लोग का मेहनत भी कम लगता है, मजदूरी भी कम लगता है। तब वही मेहनत हम अपना गांव वालों को करवाएं और उस ब्याह से हम लोग जितने गांव के दीदी थे और बगल के गांव के दीदी को थे सबको मतलब हम उसी विधि से धान रोपवाए और सब दीदी को इतना खुश हुए धान देख के। एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, these are the moments and these are the instances that really make it valuable for us to be here. An organization like NEEDS kind of understand the vision that VSO has for creating a different space. हम बेड से उठ नहीं पाते थे, पकड़ के लोग उठा के बैठा देता था, बैठते थे और फिर सुला दिया तो सो गए, खुद से कुछ नहीं कर पाते थे। जनसेवा परिषद से आए सदस्य तो थोड़ा जागृति तो आया, बोले कि ग्रुप बनाने से आप लोग को क्या फायदा है, कौन सा सामान मिलेगा या कौन सा रोजगार मिल सकता है, ये चीज़ मालूम हुआ हम लोग को। इसे नव जागृति के नाम से ग्रुप खोला गया है जिसमें 5 सदस्य हैं। 2 जन हैं आँख से दिक्कत है और 2 जन दिमाग से कमज़ोर हैं, हम ही एक ठो हैं कि मतलब दिमाग और आँख दोनों है पर पाँव नहीं है। तो उसके चलते कच्चा माल लाती है ये लोग और तैयार हम करते हैं, तैयार करने के बाद इन्हीं लोग का हाथ में दिया जाएगा। अभी बैंक से 25,000 रुपया मिलने वाला है, रोजगार सिलाई टोपाई कर रहे हैं उसमें कुछ पैसा लगाएंगे और कुछ जो बाकी है और आगे बिजनेस करने का सोचे हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द होल विजन अराउंड देम इज दैट यू आर इम्पेयर्ड। फॉर अस द फर्स्ट चैलेंज इज टू गेट देम ओवर द मेंटल बैरियर एंड द सेकंड चैलेंज इज देन टू equip them with specific abilities suitable to the kind of impairment that they have. One of the reasons we set up the disabled people organizations, especially at local community levels, is that they get a voice in the decision making that happens at village level. What we usually do is ki assignments wagera ke alawa hang out kar liya saath mein maze kar liye, but एक होता है ना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगता था। पोस्टर देखा था जोश का एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन टुक मी देयर, तो मुझे लगा कि टाइम देने लायक है काम और काफ़ी कुछ खुद भी सीखने को मिलेगा। माय फ्रेंड्स इन कॉलेज से कि तुम कैसे चले जाते हो वहाँ, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एट द एंड ऑफ द डे देयर आर ओनली पीपल लिविंग देयर। मुझे बुखार आ रखा था इसलिए एक हफ्ते मैं स्कूल नहीं गया था, तो किसी और बच्चे ने उसके लिए कुछ लिख दिया, तो उसने पूरे बच्चे अपनी तरफ करके यूँ बोल दिया कि इसने लिखा है, तो उसने नाम काट दिया मेरे को भेज दिया। अरे स्कूल जाने को कहा, उस दिन इतना रोया का 2 दिन खाना नहीं खाया, इतनी हालत बुरी है गई इसकी। जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलेगा जब आप देखेंगे कि वो एक बच्चा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी इज़ नाउ इनटू स्कूल, पास आउट होता है एंड इज़ डूइंग गुड इन लाइफ, तो ऑब्वियसली यू फील गुड नो मैटर हाउ मच मनी डू यू अर्न। लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट का फीलिंग नहीं है तो आई थिंक इट्स यूजलेस। वी ट्राई टू कैप्चर दिस एनर्जी एंड ऑल्सो दैट fleeting feeling of I need to do something, and it is through organizations like Josh which works with a lot of belief. This is something we take great pride in doing, and we've been working with more partners who share the same vision and the values. If you do it with passion, you will always find that every day you will discover something new and exciting, so there is something to look forward to.